Friends FM. This is me, Nilanjana, with Box Office, and Animesh is right here with me from ILEAD. Animesh, ball ki hoche ho khane. Thank you so much, Nilanjana. Bilkul sahi kaha, aur bilkul live report kar raha hu aap sabhi ke liye. ILEAD se bata do ki yahan pe is waqt RamGopal Varma ki movie yani ki Veerappan ki puri star cast aayi hui hai, aur is waqt hamare saath hai koi ek जिनकी आंखों में यार देख कर मुझे डर लग रहा है। जी हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन संदीप भारद्वाज, जिनके साथ हमारी बात होने वाली। वीरप्पन का लीड रोल कर रहे हैं, वीरप्पन का जो रोल है वो कर रहे हैं, और काफी चैलेंजिंग रोल था संदीप, कुछ दिन पहले बता रहे थे। उनके साथ हमारी बात होगी, साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त उषा जाधव भी है, उनके साथ भी बातें होने वाली है। वाइफ का रोल उन्होंने प्ले किया है वीरप्पन के। संदीप, उषा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू योर फ्रेंड्स एफएम कोलकाता। थैंक यू सो मच उषा। हाय, सबसे पहले बताइए कितना चैलेंजिंग था संदीप, आपसे जानना चाहूंगा वीरप्पन का रोल आपने प्ले किया कितना टफ था। जैसे मैंने बताया पहले, बहुत टफ थी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी थी मैं नहीं जानता था कि जैसे फॉरेस्ट में कैसे वॉक करते थे वो लोग, कैसे चलते थे, क्योंकि फॉरेस्ट से मेरा कोई बिलोंगिंग नहीं था। एंड उसके लिए कि जंगल में जैसे एक पैंथर का वॉक जो होता है वो कभी नहीं देखता कि जमीन में कांटे है या फिर क्या है। हम लोग जनरली रोड पे चलते हैं, उसमें भी कई बार हम गड्ढा आता है तो हम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वीरप्पन जैसा वाइल्ड एनिमल के जैसा था वो, और उसको उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। उसका एम टारगेट सीधा आंखों में रहता था, तो इसलिए वो शार्पनेस उसका मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। और बॉडी लैंग्वेज उसका, एक अनएजुकेटेड आदमी, एक अनयूजुअल आदमी जो कि सामाजिक चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है, उनसे बहुत अलग है, उससे उसका उस तरह की चीजों को कैप्चर करना, और आरजी सर का ब्रीफ उसके ऊपर, तो वो सब चीजों का मिश्रण जो हुआ तो उसके बाद ये कैरेक्टर बाहर निकला। और ऑब्वियसली इट वाज चैलेंजिंग, बट आई टुक ऑलवेज चैलेंजिंग। संदीप, आपसे और भी बातें हुई, उषा हमारे साथ है। हमने वीरप्पन के बारे में काफी कुछ जाना है, लेकिन लक्ष्मी के बारे में काफी कम हमें जानकारी थी, कुछ कहना चाहेंगी मैम इस रोल के बारे में? जरूर, मैं वही कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली मोर ऑर लेस हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं वीरप्पन के बारे में, मगर मुसलक्ष्मी के बारे में तो हमें बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ये फिल्म लोगों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें मिलेंगी वीरप्पन की जिंदगी में जो जानकारी बाहर किसी को नहीं है। तो मुसलक्ष्मी की कहानी क्या, मतलब आई डू नॉट सपोज टू टेल यू द स्टोरी ऑफकोर्स, बट आई वुड लाइक टू से समथिंग दैट कि शी नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग, हर हस्बैंड डिड रॉन्ग थिंग, बट शी सफर्ड। कुछ कहना चाहेंगे संदीप, आरजीबी के साथ काम करके कैसा लगा, उनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे इन्होंने हर बार जब भी एक नई फिल्म के आते हैं सिनेमा का कुछ ना कुछ चीजें चेंज कर देते हैं, और सिनेमा में एकदम से खुलबली मच जाती है। तो उनके साथ काम करना लाइक मतलब किसी भी एक्टर का एक सपने जैसा होता है, और मेरा सपना मुझे लगता है मेरी पहली फिल्म में ही पूरा हुआ, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और आरजीबी सर मतलब लाइक क्रिस्टल थॉट, कि वो इतने क्लियर हैं कि हर चीज के लिए बहुत शार्प हैं, स्क्रीन प्ले वाइज एंड डायलॉग वाइज एवरीथिंग इज वेरी शार्प। आई एम वेरी हैप्पी विद वर्किंग विद हिम। कहते 27 तारीख को मूवी रिलीज होने वाली, जो सुन रहे हैं उन सभी से पूछा कुछ कहते हैं? ऑफकोर्स, मैं जरूर सारे लिसनर्स को ये कहना चाहूंगी कि हमारी फिल्म वीरप्पन रिलीज हो रही है 27 मई को, प्लीज कम आउट एंड सी द फिल्म इन थिएटर, बिकॉज आई थिंक इज वन ऑफ द फैसिनेटिंग कैरेक्टर ऑफ वीरप्पन, एंड आई थिंक यू guys need to see him, his life, how he was killed, his wife and everything. So please guys, come out on 27th May and see the film. We need your love and support. Hey guys, this is Sandeep Bharadwaj. Let's catch Veerappan on 27th May of this month, and please go to your nearby cinemas and watch the film and enjoy it. Thank you so much, Sandeep. Thank you so much, Usha. Thank you so much. Thank you so much. कर रहा हूँ आप सभी के लिए आईलीड से, और इस वक्त वीरप्पन की पूरी स्टार कास्ट के साथ हमारी एक एक करके बातें हो रही है। दैट्स इट फॉर मी, बैक टू स्टूडियो। वेल थैंक यू सो मच एनिमेश, एंड बैक टू सॉन्ग्स, बॉक्स ऑफिस से रघुपति राघव।